हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार्टअप। तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में अभी जो सवाल है वो है ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में और एएलपी के सीबीटी 2 के आंसर की के बारे में। तो इस वीडियो में हम उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे कि आरआरबी के ग्रुप डी का रिजल्ट कब निकलेगा और आरआरबी एएलपी के सीबीटी 2 के जो आंसर की है वो कब रिलीज होगा। और इसके अलावा भी आरआरबी एएलपी के साइको टेस्ट के एक्सपेक्टेड डेट के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले देखिए, ये एनडीटीवी इंडिया का ऑफिशियल न्यूज साइट है जहाँ पे आज ग्रुप डी के बारे में पोस्ट किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिजल्ट ऑफ ग्रुप डी विल बी कंटिन्यूड इन फेब्रुवरी। तो आप देख सकते हैं ये न्यूज पोस्ट किया गया है आज दोपहर को। तो यहाँ पे जो बोला गया है वो आप देख सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफिशियल एनडीटीवी सेड आरआरबी ग्रुप डी टेस्ट रिजल्ट्स विल बी रिलीज्ड एनी टाइम इन मिड फेब्रुवरी। यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रुप डी का रिजल्ट फेब्रुवरी के मिडिल में ही निकलने वाला है। इसके अलावा भी इस साइट पे बोला गया है, द ऑफिशियल सेड दैट आरआरबी ग्रुप सी एएलपी टेक्नीशियन सेकेंड स्टेज आंसर की विल ऑल्सो बी रिलीज्ड इन मिड फेब्रुवरी। यानी एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट भी फेब्रुवरी के मिडिल में ही निकलने वाला है। और इसके अलावा भी पहले ही जनवरी में एनडीटीवी के न्यूज साइट पे आरआरबी ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में बोला गया था, जहां पे आप देख सकते हैं यहां पे डेट भी दिया गया था कि एक्सपेक्टेड ऑन फेब्रुवरी 18। तो यहां पे भी अभी बोला गया है कि मिड फेब्रुवरी, यानी ये कन्फर्म है कि फेब्रुवरी के मिडिल में ही आपका ग्रुप डी का रिजल्ट निकलेगा और साथ ही साथ एएलपी के सीबीटी 2 का आंसर की भी निकलेगा। तो अगर सारे नोटिस एंड न्यूज को समाप्त किया जाए तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो निकलेगा फेब्रुवरी के मिडिल में ही, और साथ ही साथ आरआरबी के एएलपी के सीबीटी 2 का जो आंसर की है वो भी निकलने वाला है फेब्रुवरी के मिडिल पे। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एएलपी सीबीटी 2 में अभी भी कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम बाकी है, टेक्निकल इशू के कारण कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं हो पाया है। तो रेलवे ने बोला है कि जल्द ही उन लोगों का एग्जाम हो जाएगा, और ये भी बोला है कि जो सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी भी पेंडिंग है उन सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम की खबर मेल या एसएमएस के जरिए मिल जाएगा। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एएलपी के सीबीटी 2 के आंसर के निकलने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, यानी मिडिल फेब्रुवरी ना होके थर्ड वीक या लास्ट में फेब्रुवरी के निकल सकता है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आंसर के निकलने के मिनिमम 15 डेज बाद रिजल्ट निकलेगा, और उसके 15 डेज बाद आप साइको टेस्ट का डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर फेब्रुवरी के मिडिल पे एएलपी का सीबीटी 2 का आंसर की निकल जाए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च के लास्ट में ही एएलपी का साइको टेस्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि आरआरबी ग्रुप डी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स को अभी से फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन लेना चाहिए, और साथ ही साथ एएलपी सीबीटी 2 वाले भी साइको टेस्ट के लिए प्रिपरेशन लीजिए। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कृपया कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।